क्या करूं दोस्तों, बहुत तबीयत खराब है। महाराष्ट्र में रहती हूं तो बहुत गर्मी है इधर। आप जानते हैं टेम्परेचर क्या जा रहा है, कितना हाई हो रहा है। इसमें सही अपने आप को सही रखना बहुत मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल होता है जब आप किचन में रहते हो, कारण ही हम लोगों को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड एवरीथिंग होता है। हमें से ड्रेस चेंज करना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो मेरा भी ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे। प्लीज़ मेरा रेमेडीज के लिए कुछ तो बताओ फ्रेंड्स। इतना सारा मेरा फ्रेंड्स हो, आपको देख के लग रहा है ना ये बिरयानी मसाला है। चलिए, आप लोग अगर ऐसे सिचुएशन में पड़ते हो तो हम बताते हैं क्या करना है। नहाना तो जरूरी है, नहा एकदम नहाना छोड़ना नहीं। उसमें टेक बाथ एवरी डे से पूरा गला में दर्द हो जाता है, हेडेक होता है, नींद नहीं आता है, फिर आपको टूथेक भी होता है कि नहीं बोलिए। हमको जैसे हो रहा है इस टाइप का अगर होता है तो हम क्या करेंगे। हम आप लोगों को एक बेस्ट सजेशन दे रही हूँ, ओके। मसाला टी आपको देख के लग रहा है ये तो बिरयानी मसाला है, इससे कैसे हम चाय बनाएंगे। देखिए काढ़ा जो बनता है, काढ़ा के लिए हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे जितना हेल्दी हो, बट हम इसके लिए मसाला टी बनाती है। मसाला टी के लिए जो जो चीज़ हम लिए हैं सब आपका कप के लिए बेस्ट है। देखिए हम लिया है तुलसी का पत्ता, बे लीव्स, बड़ा इलायच, जायत्री, जायफल, जिंजर, कार्डमम, स्टार एंच, फिर सिनेमन, और एक लिया है बेल पेपर, ये ब्लैक पेपर पाउडर जो पाउडर में रखा हुआ है, ये वाला है। अब ये सबको हम कैसे चाय बनाएंगे वो आपको दे, सिर्फ शुगर एंड मिल्क बाकी है, सबसे हम चाय बनाएंगे। इससे बॉडी का हार्ड पार्ट्स में आपको फायदा होगा, पेट में, बॉडी में नींद नहीं आ रहा है, सबके लिए एक एक मसाला एक एक फायदा करता है। तो चलिए कैसे हम बनाते हैं। ऐसे हम दूध में सबको डाल देंगे बॉयल हो जाएगा, ऐसे हम नहीं बनाएंगे। हम जैसे बनाते हैं जरूर ऐसे बनाएगा। तो चलिए मेरा किचन में देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम सिर्फ एक कप चाय बनाएंगे। एक कप चाय के लिए कितना क्वान्टिटी चाहिए वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। लेट्स स्टार्ट, आइए मेरे साथ। क्ले पॉट गैस में रखा हुआ है, क्ले पॉट में हम मसाला टी बनाएंगे। पहले इसमें हम 2 कप वाटर ऐड करेंगे। बॉयल हो रहा है, इसमें हम 50% मसाला ऐड करेंगे। तो इसको बॉयल होने देंगे, फिर गैस बंद करके ढक के हम नहाने जाएंगे। मसाला ऐड करेंगे, आप देखिए जिंजर को हल्का सा क्रश कर लिया है, फिर बे लीव्स उसको भी काट लिया है, सिनेमन उसको भी साइज कर लिया है, फिर हम साइज नहीं करेंगे जायत्री एंड जायफल को, क्योंकि ये लोग ये सब बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग के लिए अगर इसको डस्ट बा क्रैश कर देते हैं और भी स्ट्रांग हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्रैश बा स्ट्रांग जैसे है ऐसे ही हम उसको रहने देंगे। और फिर हो गया आपका बड़ा इलायची, उसका भी हम हल्का सा क्रैश कर दिया, फिर स्टार एंड उसको भी हम लीव्स निकाल लिया है, अभी ये सब को हम ऐड करेंगे। बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है, इसको बॉयल होना बहुत जरूरी है। बॉयल होने का बाद ही ये लोगों को फ्लेवर आता है। ये सब जो इंग्रेडिएंट हम डाले हैं, बाकी जो इंग्रेडिएंट हम बाद में डालेंगे उसका जल्दी फ्लेवर आ जाता है, और ज़्यादा बॉयल होता है उसका फ्लेवर चला भी जाता है, इसलिए हम उसको बाद में ऐड करेंगे। अभी हम टी लीफ यूज़ करेंगे। एक कप चाय बनाने के लिए 1 टीस्पून हम टी यूज़ करेंगे। अगर कलर और भी चाहिए हमको और थोड़ा सा ऐड कर देंगे, तो टी लीफ ऐड कर देते हैं। फ्रेश होती हूँ, फ्रेश भी लग रहा है, इसे बेटर फील कर रही हूँ। अभी हम चाय पियेंगे। 50% चाय बन गया है, अभी और 50% हम बनाएंगे। इसके लिए और जो इंग्रेडिएंट है हम डाल रही हूँ, इसमें तुलसी का पत्ता, छोटा इलायच, ब्लैक पेपर पाउडर एंड शुगर ऐड करेंगे। लास्ट में हम मिल्क ऐड करेंगे।
अभी मेल कट करेंगे। इस चाय को पियेंगे और रिलैक्स करेंगे, पी के देखते हैं कैसे बना है।